दोस्तों आज हम पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन करेंगे चैट के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, उस रेखा की लंबाई होगी 18 सेंटीमीटर। ये देखिए 18 सेंटीमीटर ऐसे रेखा खींच लेंगे, पूरा ये वर्ग है, ये भी 18 सेंटीमीटर होगा, ये भी 18 सेंटीमीटर, ये भी 18 सेंटीमीटर, इसको खींच कर हम लोग बना लेंगे, ठीक है, ये पूरा एक वर्ग बना लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो दूरी है, ये जो कोण दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है, इसकी लंबाई हम इससे लेंगे और इसकी लंबाई होगी 11 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 11 सेंटीमीटर की एक चाप काटेंगे, ऐसे चाप काटेंगे, ऐसे चाप काटेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ रख के हम यहाँ से 14.5 सेंटीमीटर का एक और चाप काटेंगे और दोनों जहाँ कटेंगे इसको मिला देंगे हम, ये त्रिभुज बन जाएगा। और उसके बाद इस रेखा पर हम 90 डिग्री का यहाँ कोण बनाएंगे, ऐसे यहाँ पर हम लोग यहाँ 90 डिग्री का एक कोण बनाएंगे और खींच देंगे, ये जाएगा 11.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी खींच कर देंगे, ये जाएगा 11.5 सेंटीमीटर। और फिर हम इस रेखा पर भी 90 अंश का कोण बनाएंगे इसकी सहायता से, ऐसे काटेंगे यहाँ रख के और यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, और इस रेखा की लंबाई होगी 11 और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींचिए, ये भी 11 होगी। और उसके बाद हम इन दोनों को मिला देंगे और इसकी लंबाई होगी, माफ़ कीजिएगा, इसकी लंबाई जो होगी वो होगी लगभग, देखिए कितना आ रहा है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी लंबाई होगी 14.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से बना लेंगे और इसको हम बनाने के बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर ये स्टिकर हमारे पास जो शादी में काटा था, इसको स्टिकर हम लोग लगा लेंगे और यहाँ ABCD जो भी नाम दिया है हम लोगों का, जो हम लोग कॉपी में लिखे हैं उसको हम लिख देंगे अच्छे से, ठीक है।